आई बात समझ में मेरी? वेक्टर सर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम लोगों को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, आपने बोला मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कुछ पता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? नहीं। हाँ रोहित, जो भी आता हो, अगर आता हो तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। हम लोग, पता है आप लोग अभी 11th में, तो आपने अभी शायद पढ़ा भी नहीं होगा, या पढ़ लिया होगा तो शायद ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा हो, या फिर पढ़ लिया होगा तो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा बेटा? बस मेरे को ये नहीं पूछना सर, है। अभी ये नहीं पढ़ा है, उसके पिछले एक्सरसाइज का पढ़ा है। अच्छा, साइन ए प्लस बी नहीं पढ़ा, चलो ये बताओ मुझे, साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये भी नहीं पता? पता है सर, हाँ बताओ, साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? रोहित थोड़ा जल्दी बताओ वन बेटा, मिनट सर। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है ना बेटा। सर 150 डिग्री का तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ निकालो ना, कैसे निकालोगे? उसको दो एक्यूट एंगल में तोड़कर निकालना पड़ेगा। दो एक्यूट एंगल में तोड़ोगे? चलो 150 मत लो, थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, लो ये ले लेते हैं साइन 1110 डिग्री। आप इसको कैसे तोड़ोगे? तो सर इसका देखेंगे कि इसके जो नजदीक होगा ना, उससे उसको मल्टीप्लाई करके और उसको माइनस कर देते हैं। जो भी एंगल का अगर उसका वैल्यू होगा ना, वो ला देना है। चलो, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करूं कि मैं वेक्टर पढ़ाऊं आपको, बताओ? ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कीजिए सर। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। पहले मैं तुम्हें आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बताता हूं। एक्चुअल में हम लोग यस सर। मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है? फिजिक्स को पढ़ने के लिए आप लोगों की मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, और आपने वैसे ही मैथ्स ले रखी है, इसका मतलब आपको फिजिक्स इजीली समझ में आएगी, ठीक है? तो जो पहला चैप्टर है वो तो आपका फिजिकल वर्ल्ड है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड यस को भी सर। पढ़ने से पहले आपको मैथमेटिकल टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लोग 11th की फिजिक्स और जो हायर फिजिक्स है उसको आप पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। टूल्स का मतलब क्या होता है? टूल्स यानी औजार। औजार क्या करते हैं, मान लो ये बोर्ड जो है वो स्क्रूज पे लगा हुआ है, इस बोर्ड को अगर मुझे खोलना हो तो मुझे स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। मैं इसको हाथ से नहीं खोल पाऊंगा क्योंकि मेरे पास उस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो मुझे स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। स्क्रू ड्राइवर ने क्या करा, मेरे काम को ईजी कर दिया, आसान कर दिया। उसी तरह से मान लो मुझे कोई कील को ठोकना है दीवार पर, तो मुझे हैमर की जरूरत पड़ेगी। हैमर जो है वो एक तरह का क्या है, टूल है। तो हैमर ने क्या करा, मेरे काम को आसान कर दिया, वरना मैं उस कील को ठोकते ठोकते मुझे 10 दिन लग जाते शायद। उसी तरह से मैथमेटिकल टूल्स भी क्या करते हैं, दीज आर द टूल्स फॉर फिजिक्स। ये फिजिक्स में यूज होने वाली मैथ्स है, जो फिजिक्स को समझने में क्या करेगा आपको आसान, जो फिजिक्स को आसान बनाएगा आपके लिए, इजी करेगा फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है? तो मैथमेटिकल टूल्स में कौन कौन से मैथ्स के ऐसे पोर्शन है, ऐसे पार्ट है जो हमारे फिजिक्स में काम आएंगे, वो कौन कौन से पोर्शन है? तो पहला पोर्शन है मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री, बहुत जगह काम आएगी आपकी, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 37 कॉस 37, साइन 30, जो भी एंगल्स वगैरह होते हैं उन सबकी वैल्यूज। तो पहला जो आपका
मेन टॉपिक है मैथ्स का, वो है ट्रिग्नोमेट्री जो फिजिक्स में यूज होती है। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। ये जो चारों टॉपिक है इन सबको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में भी नहीं। इसके अलावा बाइनोमियल यूज में आता है, बाइनोमियल इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा मैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन, लॉगरिथम, लॉग वगैरह निकालते कैसे, लॉगरिथम आपका यूज में आता है, तो ये दो चीजें भी हम लोग बाद में एक्स्ट्रा में करेंगे। तो मैथ्स के ये चारों टॉपिक आपको अच्छी तरह आने चाहिए, तभी आप लोग फिजिक्स को इजीली समझ पाओगे। अगर आपने इन चारों चैप्टर को नहीं पढ़ा, और आपने देखो पहला जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो फिर आप फर्दर आगे जाओगे तो काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D, 2D, 3D, सॉरी ये जब पढ़ोगे 1D, 2D, और फिर उसके बाद आप रिलेटिव मोशन, और फिर आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उन सबको पढ़ोगे, और फिर जब उनके क्वेश्चंस करने को बैठोगे आप लोग, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उनको करने को बैठोगे, तो क्वेश्चन नहीं होंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक मैथ का नॉलेज ही नहीं है। बेसिक मैथ की नॉलेज नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करोगे। इसलिए हम लोग बेसिक मैथ पढ़ते हैं। बेसिक मैथ ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। यश राज बेटा आप कल आए थे? यस सर। ठीक है, तो आपने कुछ पढ़ा था कल ट्रिग्नोमेट्री में? नो सर, नेटवर्क इशू था। अच्छा, तो चलो देखो आज ट्रिग्नोमेट्री जल्दी जल्दी देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या था? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं किसकी? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की। यहाँ पर एक एंगल को हम लोग थीटा मान लेंगे, ये तो 90 है, इसको भी थीटा मान सकते हैं, उसको भी थीटा मान सकते हो, किसी को भी थीटा मान सकते हो। आपने इस वाले एंगल को अगर थीटा माना तो इसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। हाँ, ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। बात समझ में आई? थीटा के सामने वाली साइड को ही परपेंडिकुलर लेना है। ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर कब होगा? जब ये वाला एंगल थीटा मानोगे आप। अब इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो, जिनको आपने 10th में पढ़ रखा है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या होता है? पी बाय बी। साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपको पता ही है, कॉसेक थीटा होता है, दैट इज एच बाय पी। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा होता है, एच बाय बी। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, दैट इज एच बाय पी। क्या आप पहले 10th क्लास में पढ़ चुके हो? टेन थीटा को और मैं फर्दर क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूं क्या? और कॉट थीटा को क्या मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकता हूं क्या? ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने 10th में पढ़ चुकी थी, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको बस रिवीजन करवा रहा हूं, रिकैप करवा रहा हूं आप लोगों को। फिर इसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी, कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी? तो पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्यों 1 होता है रोहित? यस सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है? टू क्यों नहीं होता या जीरो क्यों नहीं होता, 1 ही क्यों होता है? चलो कोई बात नहीं, इसका रीजन नहीं बताओ, मैं बताता हूं, इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय एच होता है क्या? तो पी बाय एच का स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाय एच का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बताए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है।
यस सर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर लिखा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल कितना हुआ, वन आ गया, वन। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में, किसी भी चीज को रटना नहीं है, हर चीज को समझना है। आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टेंथ में पढ़ा हुआ वन होता है, लेकिन रीजन पता नहीं था। अब रीजन पता करो, जो भी चीज पढ़ते हो उसके पीछे क्या रीजन है, वो चीज कहां से आई, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, तभी साइंस के स्टूडेंट्स कहलाओगे आप। आई बात समझ में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन ऐसे होता है। दूसरा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या इसको भी मैं प्रूफ कर सकता हूं? क्या क्या आप लोग yes, प्रूफ कर सकते हो? प्रूफ कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड लेना, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। आई बात समझ में? yes. इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। रब कर दो उसको। यस सर, यस सर। फिर आगे देखो, इसके बाद आपने पढ़ा हुआ साइन जीरो कितना होता है, रोहित? साइन जीरो क्या सर? साइन जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू वन होती है सर। जीरो होती है बेटा, कॉस जीरो वन होता है, साइन जीरो जीरो होता है, साइन 90 वन होता है। वन ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, साइन जीरो जीरो क्यों होता है? तो देखो जल्दी से समझते हैं हम लोग, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। तो देखो, मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, मान लो ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 नहीं 60 ले लेते हैं, ये एंगल 60 डिग्री है, ये पॉइंट आपका एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। मुझे जीरो डिग्री साइन जीरो, कौन सा एंगल जीरो करना है? साइन जीरो, मुझे इस वाले एंगल को जीरो करना है। ये एंगल कब जीरो होगा ट्राइंगल में? जब अगर मैं जेड पॉइंट को यहां से हटा के इसे बीच में मिला दूं, तब इस पॉइंट को यहां पे मिला दूं, तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा क्या? यस सर। वाई और जेड को कोइंसाइड कर दूं तो हो जाएगा कैसा? तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या, जीरो हो जाएगा। और बेस और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये बात समझो रोहित? यस सर। परपेंडिकुलर, जब जेड और वाई कोइंसाइड हो जाएगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बी और एच क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो साइन जीरो बराबर क्या होगा, साइन जीरो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर तो जीरो है, तो जीरो बाय एच, जीरो बाय एच क्या होगा, जीरो जीरो। कॉस जीरो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस और हाइपोटेन्यूस दोनों बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, वन बचेगा। वन। बात समझ में आई? Yes, उसी तरह से रोहित बेटा, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, ठीक है? यस सर। आपका भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कल आप वापस से क्लास में आओ, आज तो इंट्रोडक्शन में टाइम लग गया, कल वापस से सेम टाइम पे मेरी क्लास है ना, 2:50 पे चलती है, ध्यान रखना। ठीक है सर, ठीक, कल आगे कंटिन्यू करेंगे फिर हम। ठीक है सर, बाय। ओके बेटा।